नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के जो तीन एग्जाम्स हैं उनके बारे में बहुत जरूरी अपडेट देनी है, प्लस बीपीएससी के लिए 66 के लिए डेली हमने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना जो है फ्री में चालू कर दिया है, जैसे जो हमारा क्विज वाला चैनल है, ठीक है। और प्लस उसके अलावा जो आरओ 2016 का मेंस में 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगी उसकी भी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कल से आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन मिलेंगे डेली, ठीक है। एक चीज और है, आरओ 2016 का प्री का रिजल्ट जो है कई दिनों से आ रहा है और नहीं आ पा रहा है, खैर आ जाएगा आज दो दिन में, कोई टेंशन मत लीजिए, वो आना हो तो आ ही जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे जो है, ये जो बीच में वैक्यूम पीरियड आ गया है ना, इसमें बहुत संभल के रहना है, या तो आप जो है एकदम डिप्रेशन मोड में चले जाओ बिल्कुल, और फिर बाद में जब एग्जाम आ जाए तो 8-10 दिन कूदा फंदी करके और फिर पूरी दुनिया को गाली दे दो कि यार तूने मेरा नहीं होने दिया, तूने पापा वीडियो दे दिया, तूने इतनी सारी पीडीएफ दे दी तो इसलिए मेरा नहीं हो पाया, और या फिर अभी पढ़ाई कर लो। जो वैक्यूम पीरियड है ना, यही जो है आपके जो जितने एग्जाम आने वाले हैं, चाहे बीपीएससी 66 हो, यूपी विधान परिषद हो, आरओ 2016 का मेंस हो, बीओ का मेंस हो, यूपी पीसीएस 2020 का मेंस हो, या फिर आरओ 2020 वाली नई वैकेंसी हो, ये पीरियड ही आपको आगे ले जाएगा भैया। ये वाला पीरियड मत वेस्ट करो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है बिल्कुल सो गए इस समय। ये वाला जो है, अभी दिवाली आ रही है, कई सारे जो है फेस्टिवल आ रहे हैं, फिर जो है उसमें चिल मारने लगोगे, फिर जो है फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर सर्दियों में चिल मारने लगोगे, तब पढ़ने का नहीं मन होगा, रजाई से नहीं निकलने का मन होगा, बस यही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं आप बात। हालात में अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत बना के रखिए, अगर हालात में अपनी पकड़ आपने मजबूत बना के रखी तो चाहे जितने भी जहर उखलने वाले हैं घंटा आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन समस्या यही है कि आप लोग हालात में पकड़ नहीं बना पा रहे हो। पकड़ तभी बनेगी, आप देखिए चाहे कहीं से भी रहिए पढ़ाई करते रहो यार। मैंने देखा है कई सारे आजकल जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बीच में ऐसा पीरियड आ गया है बिल्कुल कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें, कुछ आगे समझ नहीं आ रहा है, उधर जो है बिहार की राजनीति अलग चल रही है, यूपी की राजनीति अलग चल रही है, आपकी राजनीति अलग चल रही है, घर परिवार वालों की राजनीति अलग चल रही है। भैया ये वाले चीजें सबके साथ होता है यार, कोई ऐसा नया चीज नहीं हो रही है आपके साथ कि जो मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप ही हो। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारा दुख है, लेकिन आप जो है या तो उस दुख से दुखी हो जाओ और या फिर उनमें से समझो कि भैया कई सारे आपके आसपास देखोगे तो ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो बहुत इंस्पायर करते हैं, जो आप ही के साथ से उठ के इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंचे, मेहनत करनी पड़ती है यार, खपाना पड़ता है, सर खपाना पड़ता है, लगातार कंटिन्यूअस डेली मेहनत करनी पड़ती है। ये वाली चीज होती नहीं है आपसे, फिर बाद में जो है कुकू कुकू करने लगते हो। अभी पढ़ लो भैया, बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अभी कई सारे इनिशिएटिव हमने चालू किए हैं और लगातार एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बस यही दिक्कत है कि स्टूडेंट जो है समझ नहीं पा रहा है, मैं इस वाले वीडियो को पूरा देखेगा, सारी चीजें बता रहा हूं, सारी चीजों में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ खड़ा हुआ है। हम कभी ना किसी को चीट करते हैं ना करने देते हैं, इवन जो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कभी पेड कॉपी नहीं लिया है उनको भी हम पूरी तरह से सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी जो हमारा एससीएस डेली क्विज वाला चैनल है उसमें बीपीएससी 66 के लिए 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली चलती है। 50 क्वेश्चन होते हैं सुबह 11 बजे के आसपास और 50 क्वेश्चन होते हैं रात में 8 बजे के आसपास। अब प्रैक्टिस उसमें करिए ताकि पता चले कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट आ रहा है, प्लेलिस्ट में अलग आ रहा है, वो डे वाइज सीरीज मैंने चलाई वो अलग चल रही है, इतने सारे तो इनिशिएटिव कर रहे हैं यार। पेड ग्रुप नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, ये तो देख सकते हो, पेड ग्रुप ले सकते हो तो सारी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, आरओ 2016, बीओ 2016, सॉरी बीओ 2019 और प्लस यूपी पीसीएस 2020 के लिए ऐसे की पूरी जो हमने सीरीज चला दी है आपके लिए, करीबन 40 ऐसे आपको देंगे हम, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको पढ़ो यार। ऐसे आप कहते रहते हो कि मॉडल ऐसे दे दो, मॉडल ऐसे दे दो, अब जब दे रहे हैं तो उसको देखिए, उससे फिर खुद लिखिए, फिर उसमें कमेंट करिए ताकि वहां पे जो है हम आपको इवैल्यूएट कर सकें, ठीक है। ये सारी चीजें करना पड़ेगा यार, हम आपके सपोर्ट में है लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा, एग्जाम देने तो आप ही को जाना है यार, वहां पे परफॉर्म तो आप ही को करना है। कोई दुनिया का कुछ भी कर दे, कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी जो है आप कहीं से भी ज्ञान ले आओ, लेकिन अगर आप खुद नहीं एफर्ट दिखाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। यूपी पीसीएस 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 की प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, उसके अलावा हमने दो सीरीज चला रखी है मॉडल आंसर वाली, डेली आपको 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड जो सिलेबस में है उसको करंट से रिलेट करके, स्टैटिक वाले पॉइंट करके, जैसे 2018-19 में आया था वैसे पॉइंट के करके हम आपको क्वेश्चन बनवा के दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को डीमोनेटाइज तक कर रखा है यार कि आप लोग को जो है एड ना देखना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लगातार पढ़ो उसको, ठीक है, लगातार। अभी मैं इस वीडियो के बाद जो ये वाली प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं, भैया पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत फायदे में रहोगे आप। चाहे भले ही हमको कोई क्रेडिट ना देना लेकिन खुद तो सिलेक्ट हो जाओ यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।
कि सारी चीजों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम कभी जो है थकते नहीं है, ना हम कभी ऐसा कोई सोते हैं, ना हम कभी छुट्टी लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोर टीम हमेशा काम करती है आपके लिए, लगातार हम जो है इनिशिएटिव ला रहे हैं। अभी बीपीएससी के लिए आपको कई सारे टेस्ट सीरीज हम देने जा रहे हैं, टॉप 50 एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, उसके कुछ जो है आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए, जो डे वाइज चल रही है वो तो है ही, उसी में जो है हम टॉप 50 वाले टेस्ट सीरीज भी जोड़ेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, बीपीएससी के जितने टेस्ट सीरीज है सारे एक साथ दिए दे रहे हैं, ताकि आप लोग जो है उसको देखिए और उसमें से चीजें सीखिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए। ठीक है, कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी नहीं कहता है किसी से कि आप जबरदस्ती पेड ग्रुप मेंबर बनिए, अगर आप फाइनेंशियली वायबल है आपके लिए तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करते रहो लगातार। यार ये जो पापा वीडियो के लिए बाद में रोना होता है ना, बाद में जो है लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था, इतना बड़ा वीडियो दे दिया तो इतने देखेंगे, अब ये टाइम है, अब देखो ना उसको 20-20, 25-25 घंटे का वीडियो बने हैं, वो लास्ट में एकदम एग्जाम के दो दिन पहले नहीं देखे जाते हैं सर जी, वो अभी देखे जाते हैं, ये वाला टाइम है, अभी उसको देखिए, तब आप जो है वहां पे फायदा मिलेगा। जो लोग लगातार देखते हैं वो लोग बाद में फिर कमेंट कर पाते हैं कि हाँ भैया हम इतने करके आए हैं। 150 में से अभी देखिएगा यूपीपीसीएस 2020 का जब रिजल्ट आएगा, इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप प्रत्याशित परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी तक का जो हमारा सिलेक्शन रेशियो है वो करीबन 12-14% रहा है, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ के कम 15-20% तक जरूर जाएगा। और बीओ के प्री में ये वाला चीज हमने देख भी ली, 124 सिलेक्शन हुए 700 के ग्रुप में, 17% के आसपास रिजल्ट गया है, मतलब 100 लोगों ने ज्वाइन किया 17 लोग जो है उसमें सिलेक्ट हुए हैं, और कई सारे हमारे ऐसे भी लोग सिलेक्ट हुए हैं जो पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं लेकिन कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं। प्लेलिस्ट कंप्लीट देखनी चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा, अपना टाइम टेबल जो हमारा पेड ग्रुप का टाइम टेबल वाला वीडियो होता है वो तक तो दे देता हूं यार, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वरना जो है रोने वाले तो हमेशा है दुनिया में, जलने वाले हमेशा है। बाकी अगर आप देखें इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म जो खुल रहे हैं, मोनोपोली ला रहे हैं, वो लोग कुछ घंटा नहीं कराते हैं यार, पैसे भी ले लेते हैं आपसे, पैसे भी लेंगे, आपको जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि भैया अगर पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है। हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप पढ़ते रहो लगातार, आप हमारे वीडियो देखो, बाद में क्रेडिट मत देना, लेकिन वीडियो से पढ़ तो लो, इतनी मेहनत करके बनाया गया है यार, वो एसेट है, अरे उसको यूज कर लो यार, आप ही के काम आएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ये वाला जो टेलीग्राम है बस इसको ज्वाइन करके रखिए, ये मेन चैनल है हमारा, बाकी भी कई सारे चैनल हैं लेकिन ये मेन रहेगा। अब देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, अभी मैंने ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पूरे पापा वीडियो 6 से लेकर 12 तक की लिंक दे दिए, सारे वीडियो दिए हुए हैं, आराम से देख डालो। एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी बेसिक है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी का आप पहले पापा वीडियो देखिए, फिर एक बार जो है बुक से पढ़ लीजिए पीडीएफ, और फिर अपने शॉर्ट में एकदम नोट्स बना लीजिए, जो ऐसे पॉइंट हो जो आप भूल सकते हैं या फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। इसके अलावा कोई कोर्स वोर्स की कोई किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब समझ में आ जाएगा, पूरा फ्री है, कोई इसमें चार्ज वार्ज नहीं है किसी तरह का। देखिए यूपीपीसीएस के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं हम लोग, आरओ 2020 के लिए प्लेलिस्ट बना दी, फॉलो करो इसको, पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। आरओ 2016 मेंस के लिए 120 नंबर की प्लेलिस्ट ये है, अभी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। मेंस के लिए 280 नंबर की ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको अभी कई सारे हिंदी के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, 2021 यूपीपीसीएस के लिए ये प्लेलिस्ट बना दी है। उसके अलावा देखिए हमने यूपीपीसीएस 2020 के मेंस के लिए ये मॉडल आंसर राइटिंग का बनाया है, इसमें 80 से ज्यादा वीडियो है, इतने क्वेश्चन है, आप एक बार लिखना तो चालू करो, इसमें कमेंट करो अपने क्वेश्चनों का, हम खुद जो अगर आप पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर पाओगे तो मैं जब जब टाइम मिलेगा तब इसमें इवेलुएट करके दूंगा, वरना हमारा 2020 का मेंस का फुल पेड ग्रुप भी चालू हो चुका है, आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम भी चालू हो चुका है, टेस्ट सीरीज वाला प्रोग्राम भी चालू हो चुका है। ठीक है, देखिए एसी राइटिंग के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जनरल हिंदी यूपीपीसीएस मेंस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, दूसरा ये ग्रुप है, इसको भैया फॉलो कर लो, ये क्विज वाला है, डेली क्विज ही क्विज हो रही है, पूरे दिन प्रैक्टिस करो, लाइव क्लास फालतू की देखने से अच्छा, वहां पे फालतू का अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप क्विज दे दो, क्विज में सीधे सीधे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा भैया क्वेश्चन सही है कि नहीं। बीपीएससी की डेली 100 क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, 50 आते हैं आपके 11 बजे रात में, आते हैं 50 8 बजे। ठीक है, एक तो ये प्लस आरओ मेंस हिंदी के जो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी उसके लिए डेली 9 बजे रात में कराएंगे। उसके अलावा आप बताइए कोई और सजेशन हो तो भी करा देंगे, इसमें डेली मतलब 150-200 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराते हैं आराम से। देखो यार, जो हमारे पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते हैं लोग, वो लोग आप वो वाले क्वेश्चन मैं यहां पे डलवा देता हूं। ठीक है, तो जो अगर पेड ग्रुप आप ले सकते हैं तो ये दोनों नंबर है, तब को सब कुछ जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन में एक ही ग्रुप में मिल जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, डिस्कशन पूरा सारे जवाब मिल जाएगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं कर पाते हो तो जो मैं बीच बीच में वीडियो देता हूं उसको फॉलो कर लिया करो। ठीक है, ये हमारा एक बिहार जीके का ग्रुप है, ये @bihar_gk करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें वही लोग ज्वाइन करिए जिनको सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करनी है, बिहार एसआई की तैयारी करनी है, जो डे वाइज सीरीज और जो पिक्स मैं मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विस दे रहा हूं वो यहां भी फॉरवर्ड करता हूं, ये सिर्फ बिहार के लिए रहेगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस मेन रहेगा वहां पे।
मेन चैनल में अगर आप जाके देखेंगे ये ऐसे दिखता है होम जो यूट्यूब में है, वीडियो प्लेलिस्ट। आप लोग पता क्या करा करिए, प्लेलिस्ट से देखा करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपने किया तो सारी जो नई प्लेलिस्ट है सब आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए जैसे बीओ की मेंस आंसर राइटिंग तक हमने चालू करवा दी, 7 वीडियो दिए गए हैं, सारे लिस्टेड है, आप सीधा देख सकते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की प्योरी प्रैक्टिस है, 91 वीडियोज है, हजारों क्वेश्चन है 2018 और 19 में। इस वाली प्लेलिस्ट से करीबन जो है 60% पेपर आया है। आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट फॉलो करो, बताइए कितना फायदा हो रहा है। और पूरे वीडियो फ्री है, लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो ये वाली फॉलो कर लो, 66 की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ये फॉलो कर लो, ये वाली फॉलो कर लो। इसमें टेस्ट सीरीज है, इसमें डे वाइज वाला है सब कुछ, ठीक है। इसमें पूरा सब कुछ है, टेस्ट सीरीज और सब कुछ है, ठीक है। फुल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो है ये वाले वीडियो सारा देखिए दिया हुआ है, बीआरएसआई के ये वाले, यहां से फॉलो करो सब मिल जाए।